राहुल ट्रेन के अंदर सही तरीके से देख लिया था, कोई सामान तो नहीं रह गया, सब सामान निकाल लिया अपना लोगों ने। अरे मोदी जी, मैं और आप तो पहले निकल आए थे ट्रेन से, पीछे अखिलेश और केजरीवाल हैं, उनसे पूछो सारा सामान निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया। वैसे कंबल वाला बोरा तुम्हारे पास है और जो खाने पीने का सामान है उसका थैला मेरे पास है। वैसे मोदी जी, तुम 300 किलोमीटर गांव से दूर लेके आए हो यहां पर, मजदूरी यहां पर सही तो मिलेगी? राहुल, इससे अच्छी मजदूरी क्या मिलेगी, तुम्हें ट्रेन का टिकट भी नहीं लेना पड़ा, किराया भी नहीं गया तुम्हारा अपने गांव से यहां तक आने के लिए, वो तो मेरी रेल विभाग में अच्छी पहचान है, अच्छी पकड़ है, इसीलिए ये मजदूरी मिल गई। वैसे मोदी जी, अपनों को यहां पर क्या काम करना है, क्या रेल का इंजन बनाना है? तुम भी योगी जी अजीब बात करती हो, रेल का इंजन बनाने का काम इंजीनियर का होता है, अपना लोग तो मजदूर है, मजदूरी का काम करेंगे? अरे क्यों भाई साहब, लाइन से बाहर क्यों आ रहे हो, लाइन में चलो, लाइन में लाइन लगा के सीधे सीधे चलो प्लेटफॉर्म पे। अरे भाई साहब, लाइन से ही तो चल रहे हैं हम, लाइन से चल रहे हैं। अरे मोदी जी, इस शहर में तो बहुत सख्ती है, कहाँ पे मजदूरी करने के लिए ले आए, यहाँ पर तो चलने के लिए भी लाइन से चलना पड़ता है, और तुमने बताया नहीं हमें यहाँ पर रेल विभाग में क्या काम करना होगा। अरे लालू जी, बताता हूँ क्या करना होगा, ये जो ट्रेन जिस पटरी पर दौड़ती है, जिस ट्रैक पे दौड़ती है, उसी ट्रैक को 20 किलोमीटर तक चेक करना होगा, कहीं पर नट बोल्ट तो ढीला नहीं है या कोई कमी तो नहीं है। अरे मोदी जी, ये तो बहुत बढ़िया काम है, यानी कि ट्रेन की पटरी को चेक करना होगा, कहीं पर कोई कमी तो नहीं है ट्रेन, जिससे कि सही सलामत चलती रहे। बिल्कुल अखिलेश, तुम बिल्कुल सही समझे, समझ गए तुम मेरी बात को। और मोदी जी, रहने के लिए कौन सी जगह मिलेगी अपनों को, कहां पर रुकेंगे अपना इस टाइम जाकर? अरे केजरीवाल जी, अपनों को रेल विभाग ने रहने के लिए कमरे दिए, उन्हीं कमरों में अपना रहा करेंगे। तो क्या रेल के चलते चलते रेल की पटरी यानी के ट्रैक के नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं? देखो केजरीवाल, नट बोल्ट ढीले हो ना हो, लेकिन रेल विभाग का काम सुरक्षा देने का है, इसीलिए तो रेल की पटरी यानी के ट्रैक के नट बोल्ट चेक करने के लिए अपनों को रखा है मजदूरी पर।